राजस्थान के पाली जिले के सुबेरपुर में तखतगढ़ पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में एक सोसाइटी संचालक को गिरफ्तार किया। वहीं इस गिरफ्तारी को लेकर तखतगढ़ पुलिस ने बताया है कि चाणोद निवासी चुन्नीलाल सुथान ने रिपोर्ट में क्रिएटिव क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी की चाणोद शाखा में राशि जमा कराने के बाद निर्धारित समय पर मैच्योर राशि नहीं लौटाने का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस ने सोसाइटी के मुख्य प्रबंधक कैलाश कल्ला, अक्षय कल्ला, दीपक सोलंकी समेत छगन लाल माली को गिरफ्तार किया है। वहीं संबंध में अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि सोसाइटी संचालकों को पूर्व में भी रानी निवासी खाता धारक की रिपोर्ट पर गिरफ्तार किया था। सुमेरपुर से संवाददाता अरविंद कुमार जोशी की रिपोर्ट। क्रिएटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो पदाधिकारी है, उन लोगों ने आम जनता की जो जमाएं उन्होंने ली थी उसका भुगतान नहीं करके उस राशि का दुरुपयोग किया गया है। इस आधार पर अनुसंधान के बाद इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभी जो इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है वो चुन्नीलाल नाम के व्यक्ति द्वारा ये प्रकरण दर्ज कराया गया है, और अभी तखतगढ़ थाने में 3 प्रकरण के खिलाफ पेंडिंग है, जिसमें तफ्तीश की जा रही है, जिसमें करीब 20 लाख की राशि जो है जमाकर्ताओं की वो इन लोगों द्वारा हड़प की गई है।